महानगर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में भयावह जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी थी। आलम यह रहा कि गुरुवार को भी कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी रही, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और भारी मात्रा में दुकानदारों के सामान का भी नुकसान हुआ। शहर के धर्मशाला बाजार पुल के नीचे अंडरपास में बारिश के दूसरे दिन भी जलजमाव की स्थिति जस की तस बनी रही। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ जाने के लिए यात्री जलजमाव के बीच गुजरकर प्लेटफॉर्म पर जाने को मजबूर है, तो वहीं दुकानदारों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ओपीडी परिसर में बने हर्बल गार्डन में भी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण हर्बल गार्डन में लगे पौधों को काफी नुकसान हुआ है। जलजमाव की स्थिति होने के कारण विभिन्न प्रकार की संक्रमण बीमारियों का खतरा भी मरीजों को है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने और मरीजों ने कहा, पहले पानी का ये मानसून का पहला ही पानी में ये पूरा जल जमा हो गया है और यहाँ इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है, यहाँ के लोग पूरे परेशान हो जाते हैं। अपन बुशेद वाले हैं, वो अपना लापरवाही करते हैं, वो हिस्से नहीं है पानी देखकर भी अनजान बन जाते हैं यहाँ के, वो जो पंपुशेद चलाते हैं। हम लोग यहाँ इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम लोग की रोजी रोटी पूरी प्रभावित हो जाए, हम लोग फर्स्ट हो जाते हैं। यहाँ के कम से कम 200 दुकानदार भूखे की कगार पे आ जाते हैं। अब बताइए सर, हम लोग क्या कर सकते हैं। जिला, हाँ, जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, वो भी निरीक्षण किए हैं, वो देख कर गए हैं। यहाँ के लोग एकदम ये लोग पूरी प्रभावित हो जाते हैं, कोई कोई सुनने वाला नहीं हम लोग की पीड़ा। राजेंद्र सोनकर। ये इंजी गेट है धामसा पुल के नीचे। हाँ, अभी बहुत भरा पानी, पानी भर रहा है, फिर इधर से वापस आ रहा है, फिर नाली में आ रहा है, नाली में से फिर वापस जा रहा है। और नाली बहुत दिन से सारा जाम है, पतला नाली है। हाँ, नाली भर भर गया, नाली फिर से पानी उसमें जा रहा है, फिर से वापस जा रहा है, फिर बोरिंग से पानी निकल रहा है बोरिंग से और नाला में आ रहा है, फिर नाला से फिर वापस जा रहा है गड्ढा में, फिर दोबारा उसमें जा रहा है। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, जो जमा एकदम जमा हुआ है नाला, सब पूरा एकदम फट गया है। राजन। इसमें सदर हॉस्पिटल जिला अस्पताल गोरखपुर। तो क्या है स्थिति? स्थिति है का पानी नहीं लगा है, कोई सफाई का कोई वो नहीं दिखाई दे रहा है। कल बरसात हुआ है लेकिन पानी अभी तक मतलब लगा हुआ है। यही कहेंगे कि नगर निगम की कमी है, इसको कम कम हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने से सफाई रहना चाहिए, सब मच्छर जुटेंगे, बीमारी फैलेगी। लोग इलाज कराने आए हैं तो इलाज के बहाना और इलाज बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि इसको कम से कम जल्द से जल्द इसको पानी को हटवाया जाए, इसमें दवा ववा छिड़काया जाए। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार मद्देसिया। कहाँ से आए हैं? हम रुद्रपुर से आए हैं।